हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले आने वाले हफ्ते के मार्केट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए मैंने जो जो स्टॉक्स फाइंड किए हैं वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपके साथ उसकी प्राइस एक्शन इन डिटेल में एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है सारे भी स्टॉक, और यहाँ पर से हमें एक अच्छी मूवमेंट इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। और साथ में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली बेसिस पर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताने वाला हूँ, और एक अच्छा सा उसमें भी एक प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है SBIN का। SBIN आपको पता है कि ऑल टाइम हाई पर है, और ऑल टाइम हाई के बाद में यहाँ पर एक अच्छा सा इम्पल्स मूव लगा रहा था, और इम्पल्स मूव के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छा सा पुल बैक आया। पुल बैक भी कहाँ पर आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है मंथली बेसिस वाला। किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, मैंने उस पर वीडियो बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर सस्टेन किया, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया, और उसके बाद में एक अच्छा सा अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर पुल बैक देखकर बाइंग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले हफ्ते में मिल सकती है। और अगर ये यहाँ पर से फिर से ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर से हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट कह सकते हैं, या फिर डिमांड जोन कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ पर से फिर से बाउंस बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इतनी सिंपल एनालिसिस है SBIN में। अभी अगला जो स्टॉक है वो है झील का। झील में पहले से आपके साथ में ये एनालिसिस शेयर करते आ रहा हूँ। मैं एनालिसिस झील की एकदम सिंपल और यही रख रहा हूँ, लगभग एक मंथ से यही एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि झील जो है वो अपने असेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असेंडिंग चैनल के यहाँ पर से सपोर्ट से अभी यहाँ पर जाना चाहिए, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस तक झील का जो स्टॉक है वो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर से रफ कर दूँ, और थोड़ा सा हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अभी ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है कि एक अच्छा सा यहाँ पर वोलेटिलिटी, अगर आप डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या फिर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर वोलेटिलिटी कम होती है, पर ब्रॉडनिंग ट्रायंगल में यहाँ पर वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, और यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है कि यहाँ पर से अपना जो सपोर्ट है वो ब्रेक करता है, और यहाँ पर से वो स्टॉक जो है वो नीचे गिरना चालू कर देता है। पर यहाँ पर जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है जो कि हमने मंथली बेसिस पे ड्रॉ किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें छोटे से टाइम फ्रेम में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर इस वाले इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की कल नेकलाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पर से हमें आने वाले हफ्ते में बहुत ही ऊपर के डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे लेवल्स देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर ये डिमांड जोन टूटता है, जो कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, और अगर ये टूटता है तो यहाँ पर से हमें ब्रेक डाउन करके एक अच्छे लेवल्स, एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा झील में। ठीक है, तो इतनी क्लियर एनालिसिस है। अभी अगला जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स भी आपको पता है कि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रा डे में ये बहुत ही ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो कर रहा है। टाटा कंज्यूमर्स क्या कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रैली मार रहा है, यहाँ पर करेक्शन ले रहा है, रैली मार रहा है, करेक्शन ले रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रैली हो चुकी है और यहाँ पर अभी करेक्शन भी हो चुका है, और अपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी टच कर दिया है। इसी वजह से अगर ये करेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो यहाँ पर से भी इस तरीके की रैली हमें आने वाले हफ्ते में दिख सकती है। इसी वजह से ये ब्रेकआउट पे थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे ट्रेड्स हो सकते हैं हमारे टाटा कंज्यूमर्स में। इसने भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल एनालिसिस बन रहा है और बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है टाटा कंज्यूमर में। अभी अगला जो चार्ट है वो है BHEL का। BHEL में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि इसके अर्निंग के रिपोर्ट की वजह से। ठीक है, अर्निंग के रिजल्ट की वजह से यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो लेवल है जो कि हमारा मंथली बेसिस पर डिमांड जोन है, वहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर प्राइस जो है वो सस्टेन कर रहा है। अभी यहाँ पर से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये डिमांड जोन नीचे टूटेगा। अगर नीचे टूटेगा तो बहुत ही अच्छा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर के डायरेक्शन में टूटेगी तो यहाँ पर से प्राइस जो है वो अपने सप्लाई जोन पे जाने का ट्राई करेगी। इतना सिंपल एनालिसिस है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अच्छे बाइंग के ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे, अच्छे बाइंग के ट्रेड हम यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इतना सिंपल एनालिसिस है BHEL में।
अभी अगला जो चार्ट है वो है टाइटन का। टाइटन में भी एकदम क्लियर एंड सिंपल एनालिसिस है। ये सभी 1 आवर के चार्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक वीकली व्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटन भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक अच्छी सी इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, अभी भी इम्पल्स मूव और करेक्शन हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर से भी कुछ इस तरीके की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये जो लेवल है 1772 का, अगर ये लेवल ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक होता है तो यहाँ पर से भी हमें बहुत ही अच्छी यहाँ पर से रैली देखने को मिलेगी। इस वजह से ये भी स्टॉक मैं अपने वॉचलिस्ट में रख रहा हूँ। और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पर एक मेजर करेक्शन हमें इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और एक अच्छा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से टाइटन भी मैंने अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर लिया अगले वाले हफ्ते में। तो इसी वजह से ये जो 5 स्टॉक्स है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले हफ्ते में। इसमें एक अच्छी सी मतलब प्राइस एक्शन भी बन रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है। अभी बात करेंगे हम यहाँ पर से इंडेक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी बताना चाहता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में जैसे कि यहाँ पर 0.5 या फिर 0.6 का यहाँ पर अच्छा सा सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा हम कह सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड लाइन है, मैं आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस वाले डाउन ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो चुका है और यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है बैंक निफ्टी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अपने नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर रीटेस्ट पर है। अगर यहाँ पर हमें कल बुलिश प्रेशर दिखता है तो यहाँ पर से अगले आने वाले हफ्ता पूरा बुलिश हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा सा यहाँ पर पैटर्न भी बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है और ब्रेकआउट पे यहाँ पर रिटेस्ट पे आ चुका है यहाँ पर बैंक निफ्टी। और इसी वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा बुलिश मूव हम यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी अगला जो चार्ट है वो निफ्टी का। निफ्टी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, वहां पर भी एक बुलिश पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी एक बुलिश पैटर्न बन रहा है जो कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में होता है, और अगर ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर से हमें बहुत ही अच्छे ऊपर के डायरेक्शन में लेवल्स देखने को मिलेंगे। इतना ही सिंपल एनालिसिस है। अगर आगे का रेजिस्टेंस डायरेक्टली है 16,118 पर 16,000 का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है या फिर राउंड नंबर रेजिस्टेंस है, पर ये जो रेजिस्टेंस है फिबोनाची पर बेस है, ठीक है। तो इतना सिंपल एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। होप है कि आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एम करता हूँ 500 लाइक्स के लिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।